सभी का स्वागत है पूजा मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं चिम न्यूज़ है। बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना के आरोपी तथा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी की विपक्षी की मांग पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने की छूट नहीं होगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जिस तरह ममता बनर्जी की राष्ट्र महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, इसी को देखते हुए कांग्रेस ने उन पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके ममता बनर्जी पर न सिर्फ हमला बोला है, बल्कि विधानसभा चुनाव में केंद्र नंदीग्राम के उनकी हार पर चुटकियां भी ली है। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस राज्य के योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब कांग्रेस ने सीतापुर में हाउस गिरफ्तारी के दौरान प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए झाड़ू के बाद योगी आदित्यनाथ के बयानों को मुद्दा बनाया है। आज कांग्रेस राज्य के सभी जिलों में झाड़ू लगाएगी। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं। खुद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में हुई हिंसा मामले को लेकर विपक्षी के आड़े हाथों चढ़े बीजेपी ने बीते शुक्रवार को अपने सभी सांसदों को और विधायकों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके इलाकों में इस तरह की फिर से कोई घटना ना हो और साथ ही साथ पार्टी के नेताओं को विवादित बयानों से भी बचने की हिदायत दी गई है। तेज प्रताप यादव की आरजेडी से बाहर निकाले जाने की खबर आ रही है, लेकिन इस बीच अटकलें ये हैं कि तेज प्रताप यादव कांग्रेस के लिए प्रचार करते हुए नजर भी आ सकते हैं, जिस कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अब देखना ये होगा कि वही कांग्रेस बिहार में वापसी के लिए लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप को अपना हथियार बनाएगी। तो ये थे आज की पांच बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए चिम न्यूज़।